पेश है लंच टाइम बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी आज गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के साथ शुरू करने जा रही है अपना चुनावी अभियान। रैली में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के बारे में बताएंगे और सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राज्य के 243 विधानसभा सीटों के 72,000 बूथों पर दिखाई जाएगी रैली। देश में 2,35,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटों में सामने आए 10,000 करीब नए मामले। कोरोना से अब तक गई 6,642 लोगों की जान। बीते 24 घंटों में 297 लोगों ने गंवाई कोरोना से जान। दुनिया भर में 5वें पायदान पर पहुंचा भारत। कोरोना के मामले में स्पेन और इटली को भी दी मात। अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन है भारत से आगे। देश में विस्फोटक होता जा रहा कोरोना संक्रमण। दिल्ली में आमने सामने आए केजरीवाल सरकार और मेडिकल एसोसिएशन। FIR के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। कहा सरकार का कदम निंदनीय और चिकित्सा जगत के लिए मनोबल गिराने वाला। दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट से जुड़ी गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। देश में बीते 24 घंटे में 1,42,069 कोरोना सैंपल की जांच हुई। अब तक 46,66,386 लोगों की हुई सैंपलिंग। ICMR ने दी जानकारी, कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के उद्देश्य से की जा रही है सैंपलिंग। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। हर व्यक्ति को भोजन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की ओर से हर साल मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा दिवस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गिरे आतंकी सुरक्षा बलों और पुलिस पर फायरिंग के बाद शुरू हुआ एनकाउंटर। शोपियां के रेबन गांव में 2 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। घेराबंदी कर आतंकियों को सरेंडर करने को कहा जा रहा है। दिल्ली में बदला मौसम। अगले 2-3 घंटों में आंधी तूफान के आने की आशंका। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। शाम तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने 9 जून तक दिल्ली NCR का मौसम सुहावना बने रहने की संभावना जताई। कोरोना संक्रमण को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जाहिर की चिंता। कहा कोरोना वायरस का पीक आना भी बाकी। अलग अलग राज्यों में अलग समय पर बढ़ सकते हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने रेप के आरोपों को बताया बदनाम करने की साजिश। कहा पाकिस्तान के नेताओं को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची द्वारा पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर लगाया गया है रेप का आरोप। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।